हेलो दोस्तों, आई एम सुजीत कुमार। स्वागत किया जाता है एक और नए दमदार वीडियो में। वीडियो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश जरूर करना। मत्ती 24 अध्याय के 19 और 21 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। उन दिनों में गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सर्द के दिन में भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक हुआ और न कभी होगा। जब इस धरती पर से कलिसिया उठा ली जाएगी, तब शुरू हो जाएगा 7 साल का महाभारी क्लेश काल का, 3.5 साल क्लेश काल के, 3.5 साल महाक्लेश काल के। जो लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, वे लोग तलवार से मारे जाएंगे। वे लोग उस समय बिन चरों की भेड़े बन जाएंगे। उनके लिए उस समय कोई आशीकरण नजर नहीं आ रही होगी कि आगे हम क्या करें और आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने अपना समय व्यर्थ गवाया था। उन लोगों ने अपना समय एक लड़की को पटाने में गवाया था। बहुत महंगा पड़ेगा नर्क में जाना, ना तो वहाँ की आग बुझेगी और ना कीड़े मरेंगे। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है, आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। लुका की पुस्तक में लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। क्योंकि देखो वे दिन आते हैं। कौन से दिन आते हैं? जो 7 साल का महाभारी क्लेश काल का दिन आने वाला है, जिनमें वे लोग कहेंगे धन्य वे हैं जो बांझ हैं और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो। उस समय ऐसा भारी क्लेश काल होगा मेरे प्रियो। उस समय लोग मौत मांगेंगे, फिर भी मौत नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है लड़कियों को पटाने में और सेक्स वीडियो देखने में। यीशु ने साफ साफ कहा अपने वचन के माध्यम से, आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जरा सोचो, जब आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे, तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति नर्क में जाएगा। यिर्मयाह की पुस्तक 15:1-3 वचन में लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। ध्यान से वीडियो देख लेना, मजाक मस्ती अपनी जगह। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो होगा और जो होने वाला है वही आपको बताया जा रहा है। बाइबल गवाह है इस बात की। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, किससे कहा? यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से कहा, यदि मूसा और सामुएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मत इन लोगों की ओर ना फिरता। इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएं, और यदि वे तुझसे पूछे कि हम कहाँ निकल जाएं, तो कहना यहोवा यूं कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाएं, जो तलवार से मरने को हैं वे तलवार से मरने को चले जाएं, और जो आकाल से मरने वाले हैं और जो बंधुए में होने वाले हैं वे बंधुए को चले जाएं। मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, मार डालने के लिए तलवार, तलवार फाड़ डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, और फाड़ कर खाने वाले मैदान के हिंसक जंतु। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है। सुधर जाओ, सुधर जाओ, मैं बता रहा हूँ। जो लोग यहाँ पर रह जाएंगे, कुछ न कुछ पाप करके रह जाएंगे, उन मनुष्यों की लोथे मैदान के पसी पक्षी जानवर फाड़ नोच कर खाएंगे मसीह विरोधी के दिन में। मनुष्यों की लोथे कब्रों में नहीं रखी जाएंगी, वे खुले में ऐसी ही पड़ी रहेंगी। बहुत महंगा पड़ेगा मेरे प्रियो। इसके लिए हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। यिर्मयाह 9:22 में लिखा हुआ है, मनुष्यों की लौथे ऐसी पड़ी रहेंगी जैसा खाद के खेत के ऊपर पुलिया काटने के पीछे पड़ी रहती हैं, उनको कोई उठाने वाला ना होगा। मसीह विरोधी के दिन में मनुष्यों की लौथे जैसा खेत में खाद पड़ी रहती है। आपने देखा ही होगा, जब रबी की फसल काटी जाती है तो बालियां टूट टूट कर पीछे गिरती हैं, उनको कोई नहीं उठाता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। वैसे ही मसीह विरोधी के दिन में मनुष्यों की लोथे पड़ी रहेंगी, मैदानों पर पड़ी रहेंगी, ठीक है मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह के साथ जरूर चले जाना, यहाँ पर मत रह जाना, क्योंकि समय कम है, दिन बुरे हैं। तीमुथियुस 4:3-4 वचन में लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं बाइबल शरीफ रूप। आँख खोल कर वीडियो को ध्यान से देख लेना मेरे प्रियो, अंत निकट है, समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं।
क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने बहुत से उपदेशक को टोल लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। जब अंत का समय आएगा ऐसा होगा कि लोग खरी बातें ना सह सकेंगे। जब किसी को स्वर्ग और नरक के बारे में बताया जाता है तो कहते हैं, ब्रदर जी हमें सब मत बताओ, हमें अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसा बताओ जिससे नौकरी मिले और चंगाई मिले, सिर्फ अच्छा अच्छा सुनना चाहेंगे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को सुनना ना चाहेंगे, सत्य से अपने कान फेर लेंगे, कथा कहानियों पर लगाएंगे, कथा कहानियों पर लगाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, इसलिए अभी समय है, समय अभी लोगों को बताया जा रहा है कि पाप भैया पाप मत करो, पाप मत करो, मगर वह अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में खींचकर फंस कर पाप कर देता है। वह मसीही थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा शारीरिक मजा लेने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा। उस 7 वर्ष में आपको खून के आंसू रोने पड़ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। उस 7 वर्ष में लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी, बहुत तड़पाया जाएगा। युद्ध आकार और भूकंप महामारियां अंतिम दिनों की निशानियां हैं मेरे प्रियो। तीन दिनों में ऐसे कठिन समय आएंगे, सुनने की हिम्मत है तो सुन लेना। पौलुस साफ साफ बता रहा है मेरे प्रियो, खुद गर्ज माता पिता की आज्ञा टालने वाले दगाबाज मोहब्बत अयशमी खूंखार भले के मेरी ढीठ घमंडी, ये परमेश्वर के चाहने वाले नहीं, ये सुख विलासी के चाहने वाले हैं। ये भक्ति का भेष तो धरते हैं परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ये परमेश्वर के चाहने वाले नहीं हैं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले हैं। ये भक्ति का दिखावा करते हैं परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानते हैं। मेरे प्रियो, समय कम है, दिन बुरे हैं, अपने आप को बचा लो, अपने प्राणों को बचा लो। यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह किसी को नाश करना नहीं चाहता है, परमेश्वर तो बचाना चाहता है, परमेश्वर तो बचाना चाहता है। परमेश्वर ने शैतान के लिए नरक बनाया था, मगर आज मनुष्य पाप कर रहा है तो परमेश्वर उसमें क्या करे, बहुत महंगा पड़ेगा उस नरक में जाना, आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। करते छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा, इस वीडियो को आप दबा के शेयर करें अपने मसीह भाइयों के पास। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, गुड लक।